माननीय गिरिराज सिंह जी का जो यात्रा है वो किसी पार्टी के बैनर के तहत नहीं। नीतीश कुमार के सेकुलर इमेज के साथ दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष है, कोई सेकुलर इमेज पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बोल ही दिया कि नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर एनडीए जो है चुनाव लड़ेगी मोहब्बत के नाम। बिहार भाजपा अध्यक्ष और नीतीश कुमार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को पार्टी से अलग करार दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति भाजपा की आस्था जताते हुए ऐसा कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी थोड़ी भी दूरी नहीं बनाएगी, ऐसी आशंका भी नहीं हो, इसके लिए भाजपा एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। इसी क्रम में बिहार भाजपा ने केंद्रीय मंत्री और पार्टी के ब्रांड नेता गिरिराज सिंह से दूरी बना ली है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नीतीश कुमार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा से पार्टी को अलग करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा की यात्रा नहीं है, जहां गिरिराज बार बार हिंदुत्व कार्ड खेल रहे। वहीं जायसवाल ने कहा कि हम नफरत या सियासत के नाम पर नहीं मोहब्बत के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। माननीय गिरिराज सिंह जी का जो यात्रा है वो किसी पार्टी के बैनर के तहत नहीं। नीतीश कुमार के सेकुलर इमेज के साथ दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष है, कोई सेकुलर इमेज पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं तो बोल ही दिया कि नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर एनडीए जो है चुनाव लड़ेगी मोहब्बत के नाम। दिलीप जायसवाल ने आगे ये भी कहा कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा भाजपा का कार्यक्रम नहीं है। गिरिराज सिंह की यात्रा से नीतीश कुमार की सेक्युलर इमेज को कोई खतरा नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेक्युलर इमेज के साथ दिलीप जायसवाल साथ खड़े हैं, बिल्कुल यहाँ किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार के सेक्युलर इमेज के साथ दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष है, कोई सेक्युलर इमेज पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं तो बोल ही दिया कि नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर एनडीए जो है चुनाव लड़ेगी मोहब्बत के नाम। वहीं बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रत्याशियों की घोषणा एक हफ्ते में कर दी जाएगी। तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू होने और स्थगित होने पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि जिस समय बाढ़ में जनता थी उस समय वो जनता को पूछने नहीं गए और राजनीतिक दुकानदारी चलाने निकले थे। जनता ने उन्हें खारिज कर दिया है और आगामी चुनाव परिणाम में ये स्पष्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा, अभी भविष्य वक्ता भी हैं वो, तो राजनीतिक दुकानदारी पहले भी करते थे वो, उसको कहते हैं इंग्लिश में प्रोफेशनल, वो जो है पॉलिटिक्स को प्रोफेशनली वो डील करते थे आज तक, इसीलिए अब भविष्य वक्ता तो शुरू से रहे हैं वो। वो बोल रहे हैं कि 143 या 2 या 4, अब हो गया ना, मैंने कह दिया ना कि वो वही काम ही करते हैं ना, उनका तो वही काम है, सब प्रदेश में जा करके किसी को चुनाव में आगे बढ़ाना किसी को पीछे बढ़ाना ये सब काम ही करते हैं, इसलिए उनका अपना जो ये है प्रोफेशन है उस हिसाब से वो बोलते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।